अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आए वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा दोस्तों BHUK MBA इन एग्री बिजनेस दोस्तों कोर्स के बारे में। आपको मैं बताऊंगा इस कोर्स की सारी अहम टिप्स जो कि आपको एडमिशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। दोस्तों बहुत ही अच्छा कोर्स है ये और अब इसके लाइन्स खुली हुई है सारी, और सारा क्या कोर्स है, क्या सिलेबस है, क्या फीस है इस कोर्स की। BHUK जो कि इंडिया की एक टॉप यूनिवर्सिटी है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ आपको दूंगा। तो आप देखते हैं दोस्तों ये वीडियो, और पसंद आया तो लाइक भी कर दें, इसको शेयर भी कर दीजिए, लेकिन सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ऐसी मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी कोर्सेज की वीडियो यहाँ पर आपको लगातार बना के आपको दूंगा, जो कि आपको बहुत ज्यादा आपकी नॉलेज में इजाफा करने वाली है। दोस्तों पहले बात करते हैं इस बार की अहम डेट्स की। BHUK में अभी इसके लिंक ओपन है 14 अगस्त से 6 सितंबर तक आप इसका फॉर्म फिल आप कर पाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी फीस के बारे में, कितनी फीस आप इसकी पे करेंगे। दोस्तों अगर आप यहाँ पर दो क्लास हैं, अगर आप दोस्तों जनरल हैं, OBC हैं, NCL मतलब नॉन क्रीमी लेयर, या आप EWS हैं तो आपको पे करना होगा 600 रुपये। अगर आप SC हैं, ST हैं, PWD हैं, आप हैं ट्रांसजेंडर, तो आपको पे करना होगा 400 रुपये इसकी एप्लीकेशन फीस। दोस्तों अब बात करते हैं, अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हो गई है फॉर्म सबमिट करने में तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। 8 तारीख से 8 सितंबर से 12 सितंबर तक दोबारा से दोस्तों इसके लिंक आपको ओपन आपको मिलेगा, जहां पर आप अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट भी आप कर पाएंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं इस कोर्स के बारे में, MBA इन एग्री बिजनेस। दोस्तों यहां पर आपको नंबर ऑफ सी दोस्तों मिलती हैं। दोस्तों यहां पर दो पॉइंट है, एक मिनिमम है और एक मैक्सिमम। दोस्तों ये मिनिमम का मतलब यहां पर यह है, अगर इस कोर्स में इससे कम सीट, 10 से कम सीट्स हुई तो ये कोर्स नहीं भी शुरू हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर मैक्सिमम है 10 सीट और दोस्तों मतलब मिनिमम दोस्तों है मतलब आप 10 सीट और मैक्सिमम है 59 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी। दोस्तों यहाँ पर इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो सबके लिए दोस्तों ये कोर्स नहीं है, तो आप ध्यान से आप सुनिएगा। अगर आपने BSc किया है एग्रीकल्चर में या एलाइड डिसिप्लिन, जो भी इसकी जो दोस्तों जो भी होगा BSc वो इसमें दोस्तों एलिजिबल है। तो उसके अलावा दोस्तों अगर आपने BSc होम साइंस में किया है, आपने BSc किया है और आपके पास इनमें से जो मैं आपको बताऊंगा इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट था, बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक, इनमें से एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा है अपने BSc में, तो आप इस कोर्स के लिए टोटली एलिजिबल हैं। दोस्तों उसके अलावा अगर आपने BBOC किया है फूड प्रोसेसिंग में तो भी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, या आप दोस्तों इनमें से किसी भी जो मैंने आपको बताया PG कर लिया है, जब भी आप इस कोर्स के लिए टोटली एलिजिबल है। दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर कितनी फीस होगी। दोस्तों काफी महंगा कोर्स है ये, यहाँ पर आपको 90,000 पर ईयर दोस्तों यहाँ फीस आपको लगेगी। दोस्तों बात करते हैं इसके टेस्ट के बारे में, इसका टेस्ट पैटर्न कैसा होगा। यहाँ 120 सवाल आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों 2 घंटे का टेस्ट होगा, MCQ होंगे और 480 नंबर का 480 मार्क्स का आपका पूरा टेस्ट होगा, जहां पर आपको 0.25 की नेगेटिव मार्क भी मिलेगी। अगर आपका आपने एक गलत आंसर किया है तो आपका 1 मार्क काट लिया जाएगा, और आपका सही आंसर होगा तो आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। दोस्तों इसमें जो है आपका जो सिलेबस आएगा सुन लीजिए आप, यहाँ पर आपको GK सवाल मिलने वाले हैं, करंट अफेयर्स सवाल मिलने वाले हैं, दोस्तों मैथमेटिक्स के सवाल मिलने वाले हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन, दोस्तों रीजनिंग एंड इंग्लिश, इन सब टॉपिक से आपको ये सब्जेक्ट से आपको सवाल मिलने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर आपका इसमें GD और PIB होगा, जिसका वेटेज 20% है। अगर 480 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा तो 96 मार्क्स का आपका GD और PIB होगा। दोस्तों एक बहुत ही अहम पॉइंट है, उसको आप जरूर सुन लें। यहाँ पर दोस्तों ऐसा नहीं कोई भी टेस्ट क्वालिफाई यहाँ कर जाएगा, यहाँ एक टेस्ट क्वालिफाई करने का मिनिमम मार्क्स है दोस्तों, जो कि अगर आप जनरल में हैं, OBC में हैं, तो आपको उस रेंज उस इन दो कैटेगरी में टॉपर जो भी होगा, टॉपर के स्टूडेंट मान ली मतलब टॉपर ने 100 मार्क्स स्कोर किए हैं जनरल कैटेगरी में, तो उसका 35% मार्क्स लाना हर जनरल वाले को मैंडेटरी होगा। ऐसे दोस्तों होगा मतलब OBC में, अगर टॉपर ने OBC में 100 स्कोर किया है तो आपको 35 मार्क्स हर बंदे को लाना होगा, ताकि वो अगले राउंड में क्वालिफाई कर पाए। तो सेम जो है कैटेगरी आपका SC ST में, लेकिन वहां पर मार्क्स 25% है, मतलब अगर SC ST के टॉपर ने 100 स्कोर किया है तो आपको 25 मार्क्स लाना हर कैंडिडेट के लिए दोस्तों यहाँ मैंडेटरी है।
तो ये मैंने आपको बताई सारी अहम डिटेल्स MBA एग्री बिजनेस एट BHU। दोस्तों आई होप वीडियो पसंद आपको आई होगी, अगर आई है तो प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर लें, इसको शेयर कर दें, एक बहुत ही अच्छा कोर्स है ये। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।